हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, एक ऐसा दौर जो न जाने कब जाकर थमेगा, कहां जाकर रुकेगा, न जाने कितने आंसू देकर जाएगा। ऐसा वक्त आ गया है जिसमें इंसानियत की सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है, जहां अपनी कोरोना संक्रमित पत्नी का शव लिए एक बुजुर्ग इसलिए साइकिल पर भटकता रहा क्योंकि इस बीमारी से डरे समाज ने उसे पत्नी के अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दी। जरा सोच कर देखिए उस बुजुर्ग का दर्द, जो अपनी साइकिल पर अपनी पत्नी का शव लिए घूम रहा था, उसकी बेचारगी और उसके आसपास के लोगों की बेरुखी, जो उसे अपनी ही पत्नी का दाह संस्कार करने से रोक रहे थे। लेकिन ये इस तकलीफ का एक सिरा है। इसका दूसरा सिरा पकड़ने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, जौनपुर के रहने वाले तिलकधारी सिंह की पत्नी राजकुमारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कोरोना के इस काल में जरा सा सर्दी जुकाम हो जाए तो इंसान डर जाता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। पत्नी की हालत ज्यादा खराब होते देख पति तिलक राज पत्नी को अस्पताल ले गए। तिलक राज बताते हैं कि बीते सोमवार को अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में उन्हें बेड नहीं मिला। बेड नहीं मिला तो इलाज भी शुरू नहीं हो पाया। इस दौरान बुजुर्ग राजकुमारी की जान चली गई। सिस्टम के निकम्मेपन ने एक और जान ले ली थी। हुकूमत के लिए ये जान महज एक आंकड़ा है, मगर जिसके घर का सदस्य चला गया उसका दर्द कौन समझेगा। मगर बदकिस्मती यहीं पर खत्म नहीं होती, आगे की कहानी और भी दर्दनाक है। जब बुजुर्ग अपनी पत्नी का शव लेकर घर पहुंचे तो कोई भी पड़ोसी उनके दुख में शामिल होने तक नहीं आया। लोगों को शक था कि बुजुर्ग की पत्नी की जान कोरोना की वजह से गई है। बात यहां तक भी ठीक थी, मगर इसके बाद हद तो तब हो गई जब गांव वालों ने कोरोना संक्रमित शव कहकर बुजुर्ग को अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। बुजुर्ग तिलकधारी सिंह घंटों पत्नी का शव लिए साइकिल पर भटकते रहे। चार कंधे तो छोड़िए, कोई देखने को तैयार नहीं हुआ। साइकिल पर शव को लादे नदी के पास रामघाट पहुंचे, मगर वहां भी गांव वालों ने विरोध किया। किसी तरह से इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो बुजुर्ग के आंसू पोंछने के लिए यूपी पुलिस का दस्ता पहुंचा। शव को कंधा भी दिया और पूरे रीति रिवाज से जौनपुर के रामघाट पर अंतिम संस्कार भी कराया। ये ठीक है कि मुश्किल घड़ी है, महामारी का दौर है, कोरोना से सब डरे हुए हैं, मगर इस डर के साय में भी हमें इंसानियत को बचा कर रखना होगा, भावनाओं को जिंदा रखना होगा, दूसरे के दर्द को समझना होगा, आगे बढ़कर हाथ थामना होगा। दुनिया में महामारियों के न जाने कितने इतिहास हैं, हमने उन सब पर कामयाबी पाई है और ये सबके साथ आने से मुमकिन हो पाया है। इसलिए ऐसे मुश्किल दौर में एक दूसरे का हाथ थामे रही, यही वक्त का तकाजा है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।